हेलो एवरीवन, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर आज का जामिया मिल्लिया इस्लामिया का 2022 का बी एल एल बी का क्वेश्चन पेपर है ये। और पेपर सेट आप देख सकते हैं बी है। टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चन 150 और 2 घंटे का टाइम आपको अलॉटेड होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है। चलिए देखते हैं पहला सवाल। वीडियो को देख करके फटाफट आप जो है आंसर सॉरी स्कोर बताएंगे कितना स्कोर आपका हुआ है, ताकि हम कट ऑफ का कुछ अंदाज़ा लगा सकें कि कितनी कट ऑफ इस बार रह सकती है, कट ऑफ में क्या ट्रेंड रह सकता है, ऊपर की तरफ जाएगी या थोड़ा नीचे की तरफ आ सकती है, वहीं बनी रहेगी। वन थिंग। और सेकंड थिंग, आप क्वेश्चन पेपर लेवल भी बताएंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को कंपेयर करते हुए, आसान था, बहुत आसान था, या मॉडरेट था, या फिर बहुत टफ था, या टफ था बहुत डबर। ओके, इतना काम आप जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आप कमेंट करेंगे, बेटर होगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़िए, ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज कहीं से तक नहीं है, बट आपको कम्युनिकेशन में हमारे साथ बहुत आसानी हो जाएगी। तमाम पीडीएफ्स वगैरह हम वहीं पर शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी वहाँ से मिल जाएगा। ओके और दूसरा, ये क्वेश्चंस को हम बगैर पढ़े ही आंसर करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकेगा वीडियो उतना शॉर्ट रखेंगे, ताकि आप आसानी से उसको देखो और फटाफट हमें कमेंट करके बताओ। उसके बाद डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ एक और वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया क्या है, अल्टरनेटिव फॉर द गिवन सेंटेंस, ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर, स्टॉइक। उसके बाद दूसरा देखिए, डिजीज स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट, कंटेजियस। उसके बाद देखिए, वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, फेटलिस्ट। उसके बाद फोर्थ, दैट इज कैन नॉट बी, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल। देन फिफ्थ देखिए, हु हैज लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसेरिटी, सैनिक। और उसके बाद एंटोनिम बताना है, प्रोवोकेशन का एंटोनिम क्या होगा, पैसिफिकेशन। और उसके बाद इंडस्ट्रियस का होगा इंडोलेंट। उसके बाद कंसीड का होगा, कंसीड का होगा रिफ्यूज। और उसके बाद हम बात करें इंस्टिंजेंट का होगा जैसे, ओके इंस्टिंजेंट का होगा लीनियंट। और उसके बाद लोकेशंस, लोकेशियस बहुत बोलने वाला वाचाल इसको कहते हैं, टॉकेटिव। तो हमें बताना एंटोनिम, और एंटोनिम इसका होगा रेटिसेंट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। देन 10th के बाद 11th, यहाँ पे सिनोनिम बताने, डेफर मतलब पोस्टपोन करना, तो ऑप्शन डी। उसके बाद सीज करना, खत्म कर देना, स्टॉप, ओके तो बी हो जाएगा। देन उसके बाद जर्मिनेट, स्प्राउट। और उसके बाद अल्टरकेशन, तो अल्टरकेशन का मतलब हो गया हीटेड डिस्प्यूट, ओके। एंड देन प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब मना करना, तो फॉरबिड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो एग्रैंडाइज, ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज द पावर, रैंक और वेल्थ। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगेन, तो यहाँ पे आप देखेंगे 17 का ऑप्शन सी सही है। देन 18 अगेन इंटेग्रिटी, तो पहला ऑप्शन सही होगा ए, इंटेग्रिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ बींग स्ट्रांग। उसके बाद फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगेन, तो एब्सेमियस, एब्सेमियस ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट है। 20 को देखिए, फिर से यहाँ पे पूछा गया है कैप्रीसियस, CIOUS, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और कैप्रीसियस का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर दैट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, किसी के चेंज में इतनी तेजी से, अगर बिहेवियर में इतनी तेजी से चेंज हो कि उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो, तो उसको हम कहेंगे कैप्रीसियस। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी ईयर्स हैव 29 डेज, यानी कि लीप ईयर्स बताने हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये होंगे आपके 24। देन इन 2012 जनवरी 1st इज संडे, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, लुक एट द सीरीज, ये सीरीज है इसको कंप्लीट करना है, और इसका आंसर आपका होगा 10। उसके बाद फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, तो यहाँ पे 582 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 95 115 समथिंग समथिंग, 25 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 162.5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द मिसिंग नंबर अगेन, रीडिंग के सवाल हैं ये सब के सब, और डिटेल में इनकी ट्रिक्स वगैरह देखना मत भूलना, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ट्रिक्स वगैरह बताएंगे। 26 का फिलहाल सी आंसर आप नोट करिए, उसके बाद 27 पे चलते हैं, 27 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 27 का, उसके बाद 28, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर, इस सीरीज में रॉन्ग नंबर बताना है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 29, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू हैंड्स एट 6:30 PM, तो आप समझिए कि ये लेस देन 30 होगा, और अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 15 डिग्री, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन पूछते हैं फिट नहीं बैठता है। देखते हैं क्या आंसर होता है, जो मोस्ट
कहना चाहिए नियरेस्ट आंसर है, वो नियरेस्ट आंसर है ये, बट ये भी उतने से सही नहीं है क्योंकि 15 और 30 में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। फिर 30 नंबर सवाल देखिए, इसका आंसर आपका आएगा सी 200 मीटर्स। देन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ग्रांट प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड, जो अरेस्टेड डिटेन होता है उसको प्रोटेक्शन कौन सा आर्टिकल देता है, तो ये आर्टिकल 22। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपका आंसर होगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 30, हु इज नोन एज द फ्रेमर ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। 1860 में जो कोड है इसका फ्रेमर कौन है, तो ये होगा आपका लॉर्ड मैकाले। देन क्वेश्चन नंबर 34, द टर्म ग्रीन स्टील रेफर्स टू, ग्रीन स्टील क्या रेफर करता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, स्टील मेड थ्रू स्टील मेकिंग प्रोसेस दैट लोअर्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद 35, इन ए लॉ ए मैन इज प्रिज्यूम टू बी डेड इफ ही इज नॉट हर्ड ऑफ एज LI4 हाउ मेनी ईयर्स, 7 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, सिर्फ आप आंसर ही नोट करिए, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है उसके बारे में पूछा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी हैं आर्टिकल पार्ट 4A में वो कितनी होती हैं, तो ड्यूटीज की अगर हम बात करें ये होती हैं 11। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बेसल 3 के बारे में पूछा गया है, बैंकिंग रिफॉर्म्स होते हैं बेसल। ओके, और यहाँ पे आपका आंसर बी बन जाएगा। 39 देखेंगे, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस वॉज एस्टेब्लिश बाई, किसने बनाया था ये, तो ये बनाया था आपका यूरोपियन यूनियन ने। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स और ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20, G20 के कौन कौन से मेंबर हैं, इनमें देखिए कौन सा ग्रुप है, तो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन देखिए अर्जेंटीना मैक्सिको साउथ अफ्रीका एंड टर्की होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये इसमें नहीं आते, कैनेडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह। ओके, और उसका 41 देखेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड है, तो ये आपके रिलेटेड है ब्रिंगिंग ऑल स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, लोन की स्कीम होती है बेसिकली, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 5, तलाक के बाद जो कंपेंसेशन लेती है वो कंपेंसेशन क्या कहलाता है, एलिमनी। ओके, उसके बाद 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स ए डिलिमिटेशन कमीशन वाज नॉट सेटअप, तो 1952 में बना था ये, 52 तो यहाँ दिया ही नहीं कहीं। उसके बाद 62 में बना था, उसके बाद 72 में बना था, और उसके बाद 2002 में ये कमीशन बने हैं, तो यहाँ पे आप 2002 तो है, उसके बाद 72 के बाद 73 भी आप ये मान सकते हो, और 62 63 ये भी मान सकते हो, तो ओनली ईयर लेफ्ट इज 1993, यानी कि 1997 ऐसा ईयर है जब कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बना। हालांकि ये 73 और जो आपका 63 ये पूछना करेक्ट नहीं है, इसमें एक छोटा सी मिस्टेक है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी। देन बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन इज व्हाट, क्या है ये बीजिंग डिक्लेरेशन, तो ये है आपकी एन एजेंडा फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड आउटकम ऑफ ए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वीन बाई यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, इलेक्टोरल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्रेजिडेंशियल एंड वाइस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन आर सेटल्ड बाय, कौन सेटल करता है इनको, तो इनको सेटल करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, प्लान अनुसार स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड बी सेज दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस और व्हाट, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, इसलिए इसको कहा गया था कि ये ऐसे बैंक का चेक है जो दिवालिया हो चुका है। देन 47, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस बाय, कैसे रिमूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, इवन हाई कोर्ट के जजेस को भी, तो इम्पीचमेंट की एक प्रोसेस होती है उसके तहत होता है ये। 47 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, यस एम आई राइट, क्वेश्चन गलत तो नहीं पढ़ दिया। ओके, 48 देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल वाज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड थे ये, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 48 का। देन 49 में देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही है, इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। एंड देन 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज ग्रीस्ड
लाइटिंग 10 GL10 क्या है ये? तो इलेक्ट्रिक प्लेन है बेसिकली, ये हाइब्रिड प्लेन है और ये नासा ने टेस्ट किया था। आप कह सकते हो इट इज अ हाइब्रिड प्लेन, डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड प्लेन, ट्विल्टिंग अनमैंड ओके एयरक्राफ्ट या प्लेन। तो ऑप्शन ए फिलहाल आपका करेक्ट है पूरी तरह से, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, संजय फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नो वन ऑफ हिज आंसर्स वर टू द क्वेश्चंस आस्क्ड पर्टिनेंट। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को लेने की कोशिश करेंगे ओके, ताकि आप आसानी से, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा तो आप आसानी से देख पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, वी विल बी अपलोडिंग नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर, सी यू सून।